आज हमारे NRI हिंद की सेना ने शिव शक्ति महायज्ञ पूजा का आयोजन किया था। इसका पर्पस ऑब्जेक्टिविटी बहुत ही सीधा सिंपल सा है। हम जो भी कर रहे हैं सेल्फलेसली कर रहे हैं। परमात्मा से हम उनकी कृपा और उनको धन्यवाद देते हैं कि हमें इस काम के लिए उन्होंने चुना। और भारतीय जहाँ भी जाता है वो पॉजिटिव ही करता है। और ये यज्ञ अपने प्रभु भोले बाबा को सब कुछ समर्पित करने के लिए, अपने कर्मियों की आहुति के लिए ये प्रयोजन था, और अपने सारे मित्रों को जगाने के लिए कि सभी लोग मिलकर के भारत के कई प्रकल्प में सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भारत अपने शिखर की ओर लौट चला है। कई तरह की बाधाएं खत्म हो चुकी है और जल्द ही भारत जगत गुरु बनने वाला है। पिछले 4.5 साल के जो डाटा हैं, सभी लोग व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं, अलग अलग मीडिया से सबको इन्फॉर्मेशन सबके पास है। और उस महायज्ञ में अपनी आहुति आप जरूर दें। और GK TV जो है, आपने जो कवर किया है हमारे पोस्ट इवेंट को, ये तो एक शुरुआत है। हर मंदिर में, हर घर घर में ऐसी ही दिव्य ज्योति जलेगी मातृभूमि के लिए, और भारत फिर से जगत गुरु बनेगा और पूरे विश्व को मार्गदर्शित करेगा। शांति समृद्धि पूरे विश्व की होगी। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो कई ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। हमारे बीच में राज मित्तल जी हैं जो हिंदी वैसे एडिशन को चलाते हैं, दशहरा कमेटी के भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। लीजिए उनसे भी थोड़ा, वो भी अपने अपनी भावना प्रकट करेंगे। प्लीज़ राज जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। आज का जो ये महान यज्ञ था वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता का सूचक है। आपकी जो भारत में जो इलेक्शन होगा, ये जो होने वाला है, ये अधर्म पर धर्म की विजय होगी, अनाचार पर सदाचार की विजय होगी, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय होगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देशद्रोह पर धर्म की विजय होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मोदी जी को विजयी बनाएं और भारत को कोई विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। मातरम। हम सब चौकीदार हैं। हम सब चौकीदार हैं। थैंक यू।